और सीधा रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत में, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। जी हां, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बदले की बात यहां पर कही है। जिस तरह से हमला यहां पर हुआ है, फेसबुक पोस्ट पर क्या कुछ लिखा है आपको बताएंगे, बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे, ये दिलीप घोष की तरफ से लिखा गया है फेसबुक पर। तो दिलीप घोष ने फेसबुक पर लिखा, बदला लेंगे। देखिए ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिस तरह की गुंडागर्दी बदसलूकी सामने आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जिस तरह से हमला किया गया, कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जिस तरह से हमला किया गया, उन्हें चोट भी यहाँ पर आई, उनके ड्राइवर को भी यहाँ पर चोट आई। उसके बाद बीजेपी का जगह जगह प्रदर्शन सामने आ रहा है। मुंबई में देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल में घटी इस घटना के बाद प्रदर्शन बीजेपी के जरिए किया गया, ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया, ममता बनर्जी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हालांकि बजाय इसके कि ममता बनर्जी से सुरक्षा में एक बड़ी चूक माने, उल्टे ममता बनर्जी की बदजुबानी यहां पर सामने आई है। जेपी नड्डा पर कटाक्ष उन्होंने किया है, इसे बीजेपी की नौटंकी करार दिया है। तो जो ये गुंडागर्दी यहां पर सामने आ रही है, सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये दीदी की मर्जी है? और पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह बात जो कही है उसके बारे में लगातार हम आप तक बात पहुंचा रहे हैं। फेसबुक पोस्ट यहां पर उन्होंने किया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने बदले की बात कही है, बदलाव भी करेंगे और बदला भी लेंगे, ये दिलीप घोष की तरफ से कहा गया है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, जिन्होंने ये बात यहां पर रखी है। 19 दिसंबर को आपको ये भी बता दें कि अमित शाह बंगाल दौरे पर जाएंगे और 2 दिन का उनका ये बंगाल दौरा है। लेकिन उससे पहले जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत यहां पर सामने आ रही है, उसमें बदला दिखाई दे रहा है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जिस तरह से आपस में लगातार भिड़ते रहे हैं, राजनीतिक रंजिश का खामियाजा यहां पर जिंदगी गवाकर भी यहां पर सामने आता रहा है। लेकिन जो नया वीडियो यहां पर सामने आया है, जब ये काफिला जेपी नड्डा का यहां से गुजर रहा था, बीजेपी का ये पूरा काफिला गुजर रहा था, देखिए सुरक्षा थी लेकिन उतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि अगर सुरक्षा उतनी मजबूत यहां पर दी गई होती तो ये हमला यहां पर इस तरह से ना हो पाता। और देखिए टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ में उनका झंडा भी है।